और फ्रेंड मैं रंजीत रोजाना अपने YouTube चैनल पर फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वैसी कौन सी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई अपना दुकान हो तो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो धातु होते हैं जिनका कलर बहुत दिन से रखने के बाद वो थोड़ा डल हो जाता है, तो उसको आप किस तरह से क्लीन कर सकते हैं और कैसे उसको फिर से नए की तरह उसका रूप दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी आपको एक घंटी लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं ये अभी आपको दिखने में वैसे काले काला नज़र आता होगा, देख सकते हैं। मैं अभी इसको साफ़ करके पूरे नीम के जैसा बना के दिखाता हूँ और फिलहाल आपको देखने को मिलेगा ये एक प्लेट है जो अभी काला नज़र दिखता होगा। मैं इसको अभी आपके सामने ही साफ करके दिखाऊंगा और ये बिल्कुल नए की तरह हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने और एक दो कड़ा लिया है जो पुराने हो गए हैं, पुराने रखते रखते इसमें थोड़ा इसमें धूल बैठ गए हैं, इसको मैं क्लियर करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैंने अभी चार चीज़ लिया है, ये दो कड़ा है, एक घंटी है और एक प्लेट है। ये चारों को मैं आपके सामने ही साफ़ करके दिखाऊंगा और किसी भी तरह का चीटिंग भी नहीं करूंगा और इनको पूरी साफ़ करके दिखाऊंगा। तो फिलहाल हमारी वीडियो पर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कभी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप जान सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसे साफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि देखिए ये एक पाउडर है जिनका नाम है पीताम्बरी। ये आपको साधारण मार्केट में मिल जाएगा, जहाँ पर राशन दुकान हो वहाँ पर आप ख़रीद सकते हैं इसको, है ना। इसका प्राइस है मात्र 28 रुपया, आप 28 रुपया में ख़रीद सकते हैं और बड़े से बड़े बर्तन को आप चमका सकते हैं। और ये इससे क्या होता है कि ये 5 तरह के बर्तन को साफ़ कर सकता है, या तो कॉपर का बर्तन हो या ब्रास का, एलुमिनियम का, आयरन का या फिर सिल्वर का, ये पाँच तरह के बर्तन को ये बिल्कुल चकाचक कर देता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इनको किस तरह से मैं चमकाता हूँ, तो हमारी वीडियो पर आप बने रहें। फाइनली फ्रेंड अभी मैं उस स्टेज पर पहुँच गया हूँ जहाँ पर मैं आपको साफ़ करके दिखाता हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये जो एक डब्बा है ना, इसके बीच में मैं पीताम्बरी का जो चूरन होता है जो इस टाइप का होता है मैं यहाँ पर डाल लिया हूँ। ये देखिए पैकेट भी खुल गई है। और ये रहा जो आप साधारण अपने घर पे जो बर्तन साफ़ करते होंगे उससे मैं इसे साफ़ करूँगा। और फिलहाल मैं आपको ऐसे ही दिखा सकता हूँ बिना पानी का कि इसमें कितनी क्लीनिंग आती है, आप देख सकते हैं। मैं इस तरह से साफ़ करके आपके बीच में दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं अभी कितनी इसमें चमक आ गई। आप देख सकते हैं कि इधर काला नज़र आ रहा है और ये साफ़ नज़र आ रहा है बिल्कुल थोड़ी सी। अब जब मैं इसको पानी से साफ़ करके दिखाऊंगा तो कितना क्लीन होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ, तो बने रहें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये रहा, इसमें मैं देखिए अब इसको मैं बिल्कुल बिना पानी से रगड़ा हूँ और देखिए ये इस तरह से चमक रही है बिल्कुल नए की तरह। ये देखिए ये पुराना है, पुराना में बिल्कुल काले की तरह दिखता है और देखिए ये अभी पूरा चमक गया है, तो इसमें थोड़ा नमी नहीं है जिसकी वजह से पूरा क्लीन नहीं हो रहा है। इसीलिए नमी के लिए इसमें थोड़ा हम है ना पानी डाल लेते हैं ताकि इसमें नमी आ जाए। उसके बाद मैं इसको पीताम्बरी के साथ इसको इस तरह से साफ़ करके आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बिल्कुल नए की जैसा चमक इसमें आ जाएगी। देखिए आपके सामने मैं इसको बिल्कुल नए के जैसा चमका दिया और वो भी बिल्कुल क्लीन। अब देखिए मैं इसको दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा नमी लाने के लिए इसमें थोड़ा पानी दे देता हूँ। ये रहा, इसमें मैंने पानी डाल दिया, उसके बाद से पीताम्बरी लिया और फिर से मैंने इसको इस तरह से साफ़ किया। आप देख सकते हैं आपके नज़रों के सामने ही मैं इसे साफ़ कर रहा हूँ, देखिए इस तरह से साफ़ होगा। हाँ थोड़ा ताकत दबाव डालना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत दिनों से रखा हुआ था और लोग इसे परचेज करने से, इसे ख़रीदने से कितराते थे और बोलते थे कि बहुत पुराना है और काला हो गया है, इस वजह से लोग इसे ख़रीदते भी नहीं थे। आई थिंक अब देख सकते हैं मैं इसको पूरी तरह से नया बना दे रहा हूँ और ये बिल्कुल नए की जैसी चमकेगी और कोई भी इसे पुराने माल नहीं कहेगा और इसके पुराना नहीं बोलेंगे और ये नया के जैसा ही बिल्कुल दिखने लगेगा। तो फाइनली मैं देख सकता हूँ इसको बिल्कुल नए के जैसा चमका दिया हूँ। ये देखिए ये पहले किस तरह से दिखता था और अब कैसा दिख रहा है, इसमें एक नए की चमक आ गई। तो फिलहाल मैंने इन दोनों को चमका दिया है, अब रही इसकी बारी, तो हमारी वीडियो पर आप बने रहें। I
veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. फाइनली फ्रेंड, अभी मैं क्या किया हूँ कि ये देखिए, ये सारे को साफ कर लिया है और आपके आंखों के सामने साफ किया है। अब मैं इसे पानी से धोकर दिखाता हूँ कि ये किस तरह से क्लीन हुआ है। सो फाइनली फ्रेंड, मैं अभी हिंदुस्तान पर पहुँच गया हूँ। मैं वहाँ साफ करके दिखाया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पानी से धोकर ये किस तरह से साफ किया। मैं अभी आपके सामने पानी से धो रहा हूँ, आप देख सकते हैं क्लीन हो चुका है। ये जो प्लेट था जो बिल्कुल काला दिख रहा था, मैं उतना साफ नहीं किया जितना करना चाहिए। फाइनली मैं अभी सिर्फ आपको डेमो के लिए मैं साफ करके दिखा रहा हूँ किस तरह से साफ हुआ। ये रहा वो घंटी जो बिल्कुल काला नजर आ रहा था, और ये रही दो बड़ा जो बिल्कुल काला था, वो अब किस तरह से साफ हुआ। वाह, आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक गोवर्धन दिया है, बहुत मेहनती लड़का है, काम कर रहे हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये पानी खत्म नहीं की चमकने लगा। आप देख सकते हैं यही वो प्लेट है जो उसका उस टाइम बिल्कुल काला था, अब देखिए कैसा हो गया है। और ये दोनों काले थे और ये घंटे था, अब इसको कोई भी आसानी से परचेज कर सकता है, खरीद सकता है। तो फाइनली फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कभी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। धन्यवाद। फाइनली फ्रेंड, मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से पुराने वस्तुओं को नए की तरह चमका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं ये घंटी जो बिल्कुल काली नज़र आ रही थी, इसको मैं बिल्कुल नए के जैसा कर दिया। आप इसे कोई भी परचेज बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। और ये जो प्लेट था वो देखिए, मैंने पीछे साइड इसको साफ नहीं किया है, आपको पीछे साइड पूरा ब्लैक दिखता होगा, और इधर देखिए इधर आपको पूरा फ्रेश दिखता होगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से साफ नहीं किया क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा फोर्स करना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से ये रखा हुआ था। देखिए ये भी पूरी क्लीन हो गई है। उसके बाद आप ये दोनों कड़े को देख सकते हैं, ये बिल्कुल काले थे, अब ये बिल्कुल नए के जैसा चमक रहे हैं, है ना। तो इसी तरह से आप अपने पुराने बर्तनों को और अपने दुकान पर अगर आप खास करके पीतल के पाई, अपने किसी भी तरह के जो मैंने पांच बताए अगर आप बेचते होंगे तो उनको आप अच्छे से इसके माध्यम से सेल करके आप उसको कस्टमर के साथ बेच सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए मैं वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ और हमेशा से ब्लॉगिंग करता रहूँगा और इस तरह का वीडियो नए नए लाता रहूँगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्राइबर ही हमें और आपकी लाइक कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।